नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखे। तो देखिए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, एक पुराने हमारे दर्शक हैं। हमने इनका हाथ रीड किया था, आपको भी वीडियो दिखाई होगी, आपने भी देखी होगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं इनको, और जैसे हमने उस वीडियो में भी इनको कहा था कि उस टाइम इनको परेशानियाँ आएंगी और लोन वगैरह भी चक्कर है। तो देखते हैं कि कौन सी रेखाएं हैं इनके हाथ में जो उस एज में परेशानी दे रही हैं। ओवरऑल हाथ को नहीं पड़ेंगे, हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। देखते हैं, अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो में, नहीं तो हमारे सेंटर का एड्रेस भी आपको नीचे मिल जाएगा। देश के कोने कोने से लोग हमारे साथ आ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना। और जहाँ तक कि उम्र जो है 21-22 साल के आसपास है, तो देखते हैं क्या कुछ जीवन में यहाँ पर रहने वाला है और क्या यहाँ पर लाइफ में प्रॉब्लमें दूर होंगी कि नहीं। अब लाइफ में इतनी दिक्कतें आ रही हैं तो हमारे हाथ में हमें कौन सी रेखाएं देखनी पड़ेंगी वो देखते हैं। पहले पहले तो हमारी अपनी जो है जीवन रेखा को आपको देखना पड़ेगा। ये हमारी जीवन रेखा और ये हमारी हृदय माइंड लाइन और ये हमारी हृदय रेखा, ये तीनों बहुत ही मेन रोल अदा करेंगी। साथ में जो है कैरियर रेखा भी एक मेन रोल अदा करेगी। अगर हम जीवन रेखा के देखें, जैसे उनकी उम्र जो है 21 साल के आसपास है, इस एज में आसपास जो है आपको एक वल्य की स्ट्रक्चर बनती हुई दिख रही है और साथ में कुछ राहु रेखाएं भी हैं जो यहाँ पर इस मसी कह सकते हैं कि लाइफ लाइन को डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन मैंने शायद वीडियो में भी इनको कहा होगा पहले, ये परेशानियाँ अभी के टाइम ही हैं, लेकिन उसके उसके तुरंत जो है आपको 2 से 3 साल में आपको बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके बाद कुछ ट्रायंगल्स कुछ प्रोग्रेस रेखाएं आपको बनती हुई दिख रही हैं। तो प्रॉब्लम में तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम का जाने का समय होता है, और जाने का समय जो है आसपास जो है 25 के आसपास या 24 के आसपास जो प्रॉब्लम है सॉल्व आउट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉब्लम है वो दिख रही है मसीक रेखा में भी वो प्रॉब्लम। अगर लाइफ लाइन पर अगर एक और नज़र डालें तो देखिए, इस एज से लेकर इस एज तक, ये जो एज बन रही है 24 साल से लेकर यहाँ पर 35 साल तक, तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दिखेगी, क्योंकि ट्रायंगल्स और कुछ रेखाएं ऑफशूट्स जो हैं ये ग्रोथ करवाएंगे। उससे पहले हाँ परेशानियाँ ये रहेंगी। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वल्ली की स्ट्रक्चर और कुछ राहु रेखाएं इसको काट रही हैं। अगर मैं कैरियर रेखा की बात करूं, जैसे मैंने इनको बताया था 21 साल है, 21 साल की उम्र में देखिए यहाँ पर जो कैरियर रेखा स्टार्ट हो रही है, एक फिश के सिंबल से स्टार्ट हो रही है या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल से स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि जब भी हमारी भाग्य रेखा ट्रायंगल से या फिर फिश के सिंबल से स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहेगा और इस उम्र में ही रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, उसके बाद ग्रोथ आ रही है, हल्का हल्का नुकसान होता रहेगा, लेकिन इतना बड़ा नुकसान या परेशानी आने के दोष यहाँ पर कह सकते हैं कि इस रेखा में नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की, ठीक है, मस्तिष्क रेखा में भी आपको वही दोष नज़र आ रहा है। देखिए, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, आपको देखिए ये जो टेंशन है या फिर वो प्रेशर है, ये अभी के टाइम तो माइनर सा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, कुछ जो रेखाएं हैं। देखिए, जब हमारी मस्तिष्क रेखा ऐसी होती है, आप जैसे ये मस्तिष्क रेखा दिख रही है, जब हमारी मस्तिष्क रेखा ऐसी होती है कुछ रेखाएं आपको नीचे की तरफ जाती हुई दिखे, ये हमें डिक्लाइन शो होती है, मतलब हमेशा जीवन में नुकसान ही देती हैं, या फिर हमने जल्दबाजी में कुछ फैसले लिए होते हैं जिसके वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। वैसे फिंगर्स से भी ये नज़र आ रहा है कि फिंगर्स भी एवरेज है, कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन ठीक है, कभी कभी जो फैसले हैं जल्दबाजी में लेने का नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम दिख रही है वो आसपास इसके दिख रही है। देखिए, इस आसपास जो अगर एज बन रही है 20 से 30 के आसपास जो है, हमेशा कुछ किसी का डर, किसी का हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा मन में लगा रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन इतनी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, ठीक है, हेडक हो सकता है, किसी की चिंता, किसी का डर हमेशा जीवन में लगा रहेगा। ये मस्तिष्क रेखा का फ्लो ऐसा बता रहा है। इसको दूर कैसे करना है हम बाद में रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। फिलहाल
हृदय रेखा में तो हृदय रेखा से वो परेशानियाँ नहीं जानी जा सकती। अगर माउंट्स की बात करो, देखिए यहाँ पर एक कर्ल ऑफ वीनस बन रहा है। अगर मान लीजिए कर्ल ऑफ वीनस हाथ में अगर बनता है किसी के, तो उसका एक गुण होता है, व्यक्ति व्यक्ति क्या होता है कि जितनी भी छोटी छोटी परेशानियाँ आ जाए या बड़ी परेशानियाँ, कोई भी ऐसी परेशानी आ जाए, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम को फेस कर सके। तो छोटी छोटी बात पे घबराना या फिर हमेशा डरे रह डर हमेशा जीवन में लगा रहना, मन में कोई ऐसी फालतू में डर, मतलब ऐसे ही कोई बड़ी टेंशन नहीं होगी, लेकिन व्यक्ति ज़्यादा उस टेंशन को बड़ा बना देता है। तो कर्ल ऑफ वीनस का ये नुकसान होता है। जिस हाथ में आपको कर्ल ऑफ वीनस बनता हुआ यहाँ पर जैसे ये बन रहा है ऐसे दिखे, तो आप मान के चलें कि वो व्यक्ति इतना ज़्यादा स्थिर नहीं होगा। वो छोटी छोटी चिंताओं के कारण घिरा रहेगा या फिर छोटी छोटी चिंताओं के कारण जल्दी परेशान हो जाता है, ठीक है। स्थिरता नहीं आ पाती है। तो कुछ फ़ायदे हैं भी हैं इसके, कुछ नुकसान भी हैं। तो अब रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए? रेमेडीज़ में देखिए, क्योंकि कैरियर अच्छा है, कैरियर से ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ आगे चलकर काफ़ी अच्छी होगी। ये तय है कि 25 से ही ग्रोथ होना चालू हो जाएगी, लाइफ में दिक्कतें जो है धीरे धीरे ख़त्म होने चालू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे इन्होंने कहा था लोन की परेशानी भी है, आपको यहाँ पर देखेगा कि बुध रेखा या बुध पर्वत जो है थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट हो रहा है सूर्य की तरफ, क्योंकि इसका जो मुख्य बिंदु है बुध पर्वत का वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इस पोर पर जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण लोन वगैरह की चिंता हो सकती है, पैसों की चिंताएँ हो सकती हैं, और फिंगर्स भी थोड़ी सी एवरेज है। तो इसका सोल्यूशन अब क्या है? सोल्यूशन यही है कि आप शनि भगवान की पूजा किया करें, अपने कर्मों पर थोड़ा सा ध्यान दिए, शनि भगवान की, या फिर हम कह सकते हैं कि मंगलवार को आप जाकर यहाँ पर मंदिर में दान किया करें। और एक और चीज़ जो मैं आपको बाकी हर दर्शक को बताता हूँ, अगर किसी को आप मीठा दान करते हैं तो परेशानियाँ जो राहु रेखाएँ होती हैं हमारे, वो कम असर करती हैं, आपको कम असर करेंगे। देखिए आप क्या करें, गुड़ हो गया, कुछ भी मीठा होगा, कुछ भी मीठा हो गया, उसके चार हिस्से कर लें, और चार हिस्सों को जो है आप किसी भी, तो आप किसी मीठे को चार टुकड़े कर लें। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने इस मीठे को चार टुकड़े कर कर मंगलवार को ही किसी जानवर को, किसी कुत्ते को या फिर किसी भी गरीब को खिलाना है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखें, सिर्फ मिठाई के, गुड़ के, किसी भी मीठी चीज़ के सिर्फ चार टुकड़े आपने करने हैं। आपने मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन, किसी मंगलवार या शनिवार वाले दिन किसी भी, आपने भूखे को खिलाना है, कुत्ते को खिलाना है, किसी भी को आप दान दे सकते हैं, ठीक है। आपने इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि राहु रेखाओं का असर जो है कम होगा, और जो भी आपकी जो परेशानियाँ चल रही हैं वो धीरे धीरे कम होंगी, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा पर भी क्रॉस है। अगर आप ध्यान से देखें इसको, अगर आप मुझे लाइव आप अपने हाथ दिखवाएंगे तो मैं देख पाऊंगा, क्योंकि पिक्चर में इतना इतना क्लियर नहीं हो पाता है, कितनी ज़्यादा भी पिक्चर क्लियर हो। आपको अगर ध्यान से दिखे आपकी सूर्य रेखा पे, यहाँ पर सूर्य रेखा तो है लेकिन यहाँ पर कुछ रेखाएं इसको क्रॉस किया करते हुए परिवर्तित कर रही हैं, तो ये भी नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो वो जो आप, मैंने आपको हल बताया, वैसे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, पैसा भी काफ़ी अच्छा है, धीरे धीरे वो चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, प्रेशर हमेशा रहेगा, मन में डर लगा रहेगा, इसलिए मैंने वो रेमेडीज़ आपको दी। आप इसको ज़रूर करें, और आप उसको करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे आपके मन में शांति, और धीरे परेशानी आपकी दूर होंगी, ठीक है। विश यू वेरी गुड लक, और आप इसकी वीडियो शेयर कर सकते हैं, और भी आपको कुछ पूछना है, अगर कुछ भी आपकी परेशानियां हैं तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।